स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौर मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टोर हैज 3 पैकेट विद डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ शुगर। पैकेट ए 2 केजी शुगर, पैकेट बी 8 केजी शुगर एंड पैकेट सी 10 केजी शुगर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ पैकेट ए टू द वेट ऑफ पैकेट बी टू द वेट ऑफ पैकेट सी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें इन तीनों की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस एक्सप्रेस को यहां से हटा दो, ठीक है। सॉल्यूशन ए आप यहां से लिखेंगे द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ और यहां तक इजी गल। अब पैकेट ए है उसमें कितना वेट है 2 केजी, रेशियो पैकेट बी में कितना वेट है 8 केजी और पैकेट सी में 10 केजी, ठीक है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है हमें, तो तीनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 वन जा 2 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 3, ठीक है। तो ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं बी पोर्शन को, एक्सप्रेस द वेट ऑफ पैकेट ए एज ए फ्रैक्शन ऑफ द वेट ऑफ पैकेट सी। हमें फ्रैक्शन में लिखना है वेट ऑफ पैकेट ए और वेट ऑफ पैकेट सी। तो सॉल्यूशन बी सिंपल है, वेट ऑफ पैकेट ए इज इक्वल टू, ए में कितना वजन है 2 केजी और वेट ऑफ पैकेट बी इज इक्वल टू 8 केजी। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 अपॉन 8। अब 2 अपॉन 8 2 से कैंसिल तो हमारे पास आ गया 2 वन जा 2 और 2 4 जा 8, तो वो फ्रैक्शन आ गई 1/4, ठीक है। तो ये बी पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में बोला कि हाउ मेनी टाइम्स इज पैकेट सी एज हैवी एज पैकेट ए। पैकेट सी है वो पैकेट ए से कितना भारी है, तो देखो वेट ऑफ पैकेट सी, वेट ऑफ पैकेट सी इज इक्वल टू 10 केजी और वेट ऑफ पैकेट ए इज इक्वल टू कितना है 2 केजी। अब इसको रेशियो में लिख लेंगे 10:2, ठीक है। अब देखो दोनों 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 5 टाइम और 2 से ये 1 टाइम, तो रेशियो क्या आ गया 5:1। तो 5 क्या है पैकेट सी है, तो जो पैकेट सी है वो पैकेट ए से 5 टाइम हैवी है, तो इधर इसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है टीनाज पॉकेट मनी इज 3/4 ऑफ सुमन्स पॉकेट मनी। टीना की जो पॉकेट मनी है वो सुमन की पॉकेट मनी से 3/4, ठीक है। अब आगे बोला टीनाज पॉकेट मनी आपको दे रखा है 3, 1, 2, 3। सुमन्स पॉकेट मनी कितना दे रखा है 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो ए पोर्शन में हमें क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो बताना है ऑफ टीनाज पॉकेट मनी टू सुमन्स पॉकेट मनी, ओके। अब देखो यहां से आप व्हाट इज को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, यहां से मैं हटा ही देता हूं इसको। सॉल्यूशन ए आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ टीनाज पॉकेट मनी टू सुमन पॉकेट मनी इज इक्वल टू, अब टीना की पॉकेट मनी क्या है 3 है, ओके, रेशियो सुमन की 4, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 3:4 आ जाएगा। अब सेकंड पोर्शन बोला कि व्हाट इज द रेशियो, पहले सुमन आ गई उसके बाद टीना आ गई, तो आप यहां बी में व्हाट इज को कट कर देंगे। सॉल्यूशन बी द रेशियो ऑफ सुमन पॉकेट मनी टू टीनाज पॉकेट मनी इज इक्वल टू, पहले सुमन तो 4 है बाद में टीना तो 3, ठीक है। अब आगे थर्ड पोर्शन बोला है व्हाट इज द रेशियो, तो व्हाट इज को यहां से हटाएंगे,
ठीक है, द रेशियो ऑफ टेनर्स पॉकेट मनी टू देयर टोटल पॉकेट मनी, तो टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी, 3+4, पहले क्या है टीना, तो टीना की पॉकेट मनी 3 थी और टोटल है 3+4 7, ठीक है। अब डी पार्ट में पहले सुमन बोला है, उसके बाद टोटल पैकेट मनी बोला है, तो यहां से वोट इसको हटा दो, ठीक है। सॉल्यूशन डी इज इक्वल टू सुमन की पॉकेट मनी क्या है 4 और टोटल पॉकेट मनी क्या है 7, तो 4:7। अब देखो लास्ट पोर्शन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुमन पॉकेट मनी एज ए फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल पॉकेट मनी, फ्रैक्शन बताना है, तो यहां से इसको हटा दो। सॉल्यूशन ई, तो द टोटल द रेशियो ऑफ सुमन पॉकेट मनी एज ए फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल पॉकेट मनी इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में लिखना है, तो सुमन की पॉकेट मनी क्या है 4 और टोटल पॉकेट मनी क्या है 7, तो 4/7, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।